हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे लेकर आ चुका हूँ क्विक नोट्स डाटा हैंडलिंग चैप्टर के, क्लास सेवन्थ के। सो देखो, अब स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं आप सभी के लिए रोज़ ही यानी हर दिन एक नई वीडियो लाता हूँ जिसमें आपको न्यू नॉलेज मिलती है। लेग्स की अगर आप कोई भी क्लास में हो तो मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें। सो देखो, अब मैंने आप सभी को सब्सक्राइब करने को कहा है बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। अब हम कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सो कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब देखो, आपने नोट सेम नहीं बनाने हैं जैसे यहाँ पर बने हुए हैं, आप जैसे अलग अलग पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फेस नहीं बनाना आता सो आप फेस की जगह पर कुछ और बना सकते हैं लाइक कार्स, एंड उनको कलर कर सकते हैं अलग अलग। सो यहाँ पर क्या है, अलग अलग चिल्ड्रन है जिनके कलर, जो हेयर कलर है वो अलग अलग हैं। सो कंसीडर द हेयर कलर ऑफ दीज किड्स, द अबव रॉ डाटा कैन बी टेब्यूलेटेड इन द फॉलोइंग वे। यानी ये टेबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है इस वे में, जैसे कि यहाँ पर ये सब कुछ रॉ डाटा है। रॉ डाटा का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। सो जैसे कि सबसे पहले ब्राउन हेयर, यानी जिसको कि हम मेहरून इश थोड़ा सा लाइक मेहरून वाली वाइब दे रहा है। सो ये 3 चिल्ड्रंस है, एंड ये ब्लॉन्ड वो 6 है, एंड उसके बाद ये ब्राउनिश ये 2 है, एंड उसके बाद ब्लैक ये 4 है। सो अब देखो, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं टेबल। अब आगे आते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। सबसे पहले मीन, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन इज ऑल्सो नॉन एज एवरेज। सो देखो, मीन को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि यहाँ पर हैं 4, 7 इतने सारे, सो इन सभी को सबसे पहले प्लस करो। अब ऊपर इनको गिन लेना 1, 2, 3 ऐसे कर एंड उससे डिवाइड कर दो। सो उसे हम एवरेज भी कह देते हैं मीन को। अब आगे मोड, इट इज़ ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा सेट, देयर कैन बी मोर देन 1 मोड इन द डाटा सेट। सो देखो, यहाँ पर जैसे कि है, इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। इन असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जैसे कि यहाँ पर 7 है, सो 7 मोड है। देखो, मोड 2 नंबर से हो सकते हैं, अगर 6 बार आया होता लाइक, या 5 भी 6 बार आया होता, सो 5 और 7 दोनों ही मोड होते, बट यहाँ पर अकेला 7 मोड है। मीडियन, इट इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, सो जो हमारी मिडल में आएगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो है 17, एंड 17 का हाफ कितना होता है, 17 का हाफ हो जाता है 8.5। सो 8.5 यानी 8 से जो अगले वाला नंबर होगा वही वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड इससे आगे है 6। सो इसका जो आएगा हमारा मीडियन वो आ जाएगा 6। अब आगे है रेंज, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट। सो हाईएस्ट है 9 एंड लोएस्ट है 0। सो 9 - 0 कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द डाटा सेट, और उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया। अब मीन के लिए सबसे पहले हमने सभी को प्लस किया ओवर 17 कर दिया, क्योंकि 17 ये नंबर्स हैं, एंड वो आ चुका था 4.94 हमारा आंसर निकल का। एंड आगे मीडियन, यानी मिडिल ऑब्जर्वेशन, वो आ चुका था 6, मोड आ चुका था 7, एंड रेंज आ चुका था 9 - 0, जो क्या देगा 9। आगे है बार ग्राफ, बार ग्राफ और बार चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, एंड द लेंथ और हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बार्स आर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बार्स इज ऑलवेज सेम। सो देखो, अब यहाँ पर जो ये बार्स हैं लाइक, इनसे पता चलता है कि कौन सी मूवीज सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं पीपल के द्वारा। जैसे कि सबसे पहले एक कॉमेडी मूवीज है जो कि 4 पीपल को पसंद है, लाइक ये एक सोसाइटी ऑफ पीपल है। सोसाइटी का मतलब कि एक ग्रुप बनाया गया, एंड उस ग्रुप में जितने लोगों को ये पसंद है। एंड एक्शन मूवीज पसंद की जाती हैं 6 और 4 के बीच में, क्या आता है 5। सो रोमांस मूवीज
वो पसंद की जाती है 6 से, एंड ड्रामा मूवीज पसंद की जाती हैं 2 से, स्काईफाई यानी साइंस फिक्शन मूवीज पसंद की जाती हैं 4 पीपल से। तो यहाँ पर जो रोमांस मूवीज हैं वो 6 पीपल से पसंद की जाती हैं, यानी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। एंड उसके आगे आ जाते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजिंग 2 बार्स केप्ट बिसाइड ईच अदर एट सर्टेन हाइट्स। वी कैन यूज अ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर 2 डाटा सेट्स। सो देखो, अब जैसे क्या होगा कि लाइक अगर आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, सबसे पहले तो आपका जो होते हैं लाइक जून के आसपास पेपर्स होते हैं, एंड उसके बाद आपके मार्च में पेपर हो जाते हैं। लाइक जैसे ये दोनों दो टर्म्स हैं, हम मान लेते हैं ये दोनों दो टर्म्स हैं, उनके मार्क्स जो होंगे उनके लिए अगर हम बनाएं एक बार ग्राफ, वो डबल बार ग्राफ बनेगा। जैसे कि अगर हमने एरियल के जो मार्क्स आए हैं यानी स्कोर आए हैं, टोटल परसेंटेज के बारे में बात हो रही है, एरियल कोई लड़का है, सो अब उसके जो पिछले पिछले पेपर्स में थे वो थे 40%, एंड इस साल उसके आ चुके हैं 50%, सो ये साथ में होंगे। एंड उसके बाद इनमें 2 हमने या तो 2 का गैप छोड़ सकते हैं या 1 का भी गैप छोड़ सकते हैं, बट सभी में एक ही गैप छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अब देखो साइन के सबसे पहले आए हैं 55%, एंड उसके बाद आए हैं 70%। सो डेक्लर के सबसे पहले 35%, उसके बाद भी उसके सेकंड टर्म में भी 35%। आगे तारा के सबसे पहले 60%, एंड उसके बाद आए हैं 75%। सो अब आगे आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है कि मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल ऑकर, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। सो अगर कोई चीज़ की मेजर की जाए, जैसे कि अगर हम एक डाइस रोल करें, डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे, सो अब हमने प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की बतानी है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी अगर आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं डाइस में होते हैं, जैसे आपको 2 चाहिए डाइस में, 2 या 1, सो ये 2 हैं, आपने क्या लिखा 2 एंड 2/6 कर दिया, जो कि आ जाएगा 1/3। सो अगर आप 3 बार डाइस घुमाओगे सो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो होगी 1/3 2 या 1 में से एक आने की। अब देखो, इम्पॉसिबल होता है 0 पर, जो अनलाइकली इवेंट होता है, एंड इवन चांस 0.5 एंड सर्टेन वो 1 होता है। सो अनलाइकली इवेंट यहाँ से एंड लाइकली इवेंट यहाँ से, सो इम्पॉसिबल, इवन चांस एंड सर्टेन। सो ये एक और कंसेप्ट है जो कि आपको अपर क्लासेस में समझाया जाएगा, यहाँ पर आप सभी को एक छोटी सी ग्लिम्स मिल चुकी हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक्स।